कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते अपराध पर विफल होती केंद्र और राज्य सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध तेजी से बढ़ रहा है, हर वर्ग की जनता इससे परेशान है। इसके साथ ही आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि BHU में छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज की वह निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी की जिला संयोजक अर्चना गुप्ता ने कहा कि देश में अपराध चरम पर है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाषण के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। GST से हमारी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की ओर गिरी है, नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी है। कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों विफल हुई हैं, महंगाई आज चरम पर है और पूरे देश में प्रदेश में इस समय जो अत्याचार और ये अपराध हो रहे हैं वो चरम पर हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इस समय व्यक्ति को एक सिर्फ भाषण और भाषण के बूते पर एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है। GST से क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारे देश की निरंतर नीचे गिरी हुई है। बहुत सारे लोग नोटबंदी के कारण और तमाम कारणों से बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।